ये बात बिल्कुल सही है कि फ्रांस में हाल के दिनों में कुछ आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, लेकिन हम अगर मोटे तौर पर देखें तो दो बड़ी घटना हमारे जहन में आती है। एक जनवरी में जब चार्ली एब्दो मैगजीन पर उसके दफ्तर पर आतंकवादी घटना हुई थी, और एक कल का जो सिलसिलेवार धमाका है। लेकिन चार्ली एब्दो की जो घटना थी वो बिल्कुल अलग तरह से की गई थी। वो वहां पर एक कार्टून छपा था, उसके रिटेलिएशन में यानी कि एक तरह से बदले की कार्रवाई के तौर पर उस घटना को देखा जा रहा था, जो कि अचानक से की गई कार्रवाई समझा जा रहा था। लेकिन कल जिस तरह से धमाके हुए हैं वो बिल्कुल अलग तरह से, बिल्कुल अलग पैटर्न पर, लंबी सोची समझी साजिश के तहत ये धमाके हुए हैं। और ये धमाका जो है इसके लिए आप सोच सकते हैं कितनी लंबी तैयारी की गई होगी, क्योंकि ऐसे जगहों को चुना गया जहां पर फुटबॉल मैच चल रहा था, इंटरनेशनल फुटबॉल मैच फ्रांस और जर्मनी के बीच, और जहां पर फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद वो उस मैच को देख भी रहे थे। यानी कि बहुत लंबा इसके लिए तैयारी का एक सिलसिला रहा होगा, और उसके बाद कल के इस घटना को अंजाम दिया गया है। और इस बात को हम कह सकते हैं कि इस घटना के बाद फ्रांस की जो आंतरिक स्थिति भी है वो थोड़ी सी सुरक्षा की स्थिति पर सवालिया निशान नजर आते दिख रहे हैं। देखिए, शरणार्थियों का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिसने यूरोप को भी कहीं ना कहीं बांट दिया है। जर्मनी ने ज्यादा से ज्यादा शरणार्थियों को लेने का फैसला किया है, और अब तो 10 लाख से भी ज्यादा शरणार्थी जर्मनी में आ गए, जबकि कई देश, फ्रांस है, हंगरी है, बेल्जियम है, ऐसे देशों ने शरणार्थियों को लेकर के उनका रवैया बड़ा सख्त रहा है। लेकिन इस बात को अभी पक्के तौर पर कहना कि शरणार्थियों के इस फैसले का क्या अच्छा असर होगा या बुरा असर होगा, इस पर अभी नहीं कहा जा सकता। जर्मनी की चांसलर अंगेला मर्केल ने खुद भी कहा है कि इसका असर कोई 10 साल में पता चलेगा, यानी कि राजनीतिक तौर पर यह एक ऐसा फैसला है जिसके अभी असर के बारे में पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन ऊपर से या पहले नजर में जो बातें समझ में आती हैं वो ये कि इन मुल्कों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा प्रतिशत है लोगों का जो कि शरणार्थियों के पक्ष में नहीं है। उनका ऐसा मानना है कि वो लोग उनकी जगह ले रहे हैं, वो लोग कल को उनके उनके जॉब के लिए खतरा हो सकते हैं, उनके घरों के लिए खतरा हो सकते हैं। और इन सबसे बड़ी बात कि ये जो शरणार्थी आ रहे हैं वो सीरिया से या अफगानिस्तान से या इराक जैसे ऐसे देशों से आ रहे हैं जहां सुरक्षा व्यवस्था बहुत खराब रही है हाल के सालों में, पिछले एक दशक में, और वहां से कोई भी आकर के 10 लाख की संख्या में अगर रहता है तो ये कहीं ना कहीं उनको इसमें खतरे की घंटी या अलार्म बजता है। ये जाहिर सी बात है कि इसके सुरक्षा के अपने इंतजाम किए गए हैं, इनको फिल्टर करने का अपना तरीका अपनाया गया है, लेकिन फिर भी शरणार्थियों का एक मुद्दा है जिसको लेकर के यूरोप में काफी कश्मकश, और इस वक्त तो समझिए कि वो राजनीतिक तौर पर सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं इस बात को पक्के तौर पर नहीं मानता हूं कि भारत में जब आतंकवादी घटनाएं होती हैं तो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी इस पर अपनी बात नहीं रखता। अगर हम ध्यान दें 26/11 के खास तौर पर, मुझे याद पड़ता है, मैं जर्मनी में था, मुझे अच्छे से याद है कि अखबारों में और तमाम टेलीविज़न की सुर्खियों में सिर्फ मुंबई हमला ही छाया हुआ था। और दूसरी बात यह भी है कि देखिए, हम जब पश्चिमी विश्व की बात करते हैं तो वहां पर जिस तरह के सुरक्षा व्यवस्थाएं होती हैं, खास तौर पर 9/11 के बाद, चाहे आप लंदन की बात करें, चाहे आप पेरिस की बात करें, मैड्रिड की बात करें, मैं न्यूयॉर्क में गया था, वहां पर भी मैंने देखा कि जो सुरक्षा की जो व्यवस्थाएं हैं बिल्कुल अलग तरीके की कर दी गई हैं। बल्कि लंदन तो एक ऐसा शहर है जहां के कहते हैं कि पर्सन कैमरा, जो सर्विलेंस कैमरा है, वो भी एक हर शख्स पर पांच या छह शख्स पर एक कैमरा, मतलब इतनी जबरदस्त सर्विलेंस वहां पर होती है। उसके बावजूद, और उनके पास पैसे हैं, उनके पास वो तमाम सुविधाएं हैं, आधुनिक उपकरण हैं, इनके बाद अगर कोई इस तरह के हमले को कर पाने में अगर सक्षम हो पाता है, अगर वो कर पाता है, तो ये वाकई में एक बहुत ही अजीबोगरीब बात होती है, क्योंकि उनको कई लेवल पे, उनको सुरक्षा के कई लेवल को फिल्टर करना पड़ता है, कई लेवल को पास करना पड़ता है, उसके बाद तब जाकर कहीं इस तरह की सुरक्षा, इस तरह के आतंकवादी घटना की संभावना रहती है, की आशंका रहती है। और वो अगर कर पाने में सफल रहते हैं पश्चिमी देशों में, तो हम समझ सकते हैं कि वाकई में एक बड़ी घटना होती है, और इस वजह से भी शायद मीडिया में इन बातों को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। लेकिन मैं एक बात आपको और बताऊं कि भारत को हाल के दिनों में, खास करके पिछले 7-8 वर्षों में मैं कहूं तो, बहुत सीरियसली लिया गया है, और भारत में भी किसी छोटी या बड़ी इस तरह की घटनाओं को प्रमुखता से अब जगह दी जाने लगी।
देखिए, पिछले एक डेढ़ साल में आईसिस एक बेहद क्रूर और बर्बर आतंकवादी संगठन बनकर उभरा है और उसने खास तौर पर पश्चिमी देशों के लोगों पर निशाना बनाया है। कई बार उनको बंधक बनाकर उनकी हत्या की है और इन तमाम चीजों के वीडियो भी उसने जारी किया है। तो आईसिस एक नए तरह का संगठन है और इसी वजह से पश्चिमी देशों में रहने वाले युवा, खासतौर पर लड़के और कई बार तो लड़कियां भी उसकी तरफ आकर्षित हुई हैं। और कई बार हमने देखा है कि पश्चिमी युवा आईसिस की टीम में शामिल होने के लिए मध्य पूर्व के देशों में गए हैं। ये तमाम चीजें आईसिस को एक नए तरह का आतंकवादी संगठन तो जरूर बनाता है, जो पहले के आतंकवादी संगठनों से ज्यादा खतरनाक है। लेकिन अब इसमें जो नया आयाम जुड़ा है वो ये कि आईसिस ने इस चीज की हिम्मत की है कि वो एक मजबूत देश फ्रांस की राजधानी पेरिस में घुस करके आतंकवादी हमले करता है और इसकी जिम्मेदारी भी लेता है। तो मुझे लगता है कि इसके बाद पश्चिमी देशों का रवैया जरूर बहुत सख्त होगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की रणनीति बनेगी। और यह कोई आश्चर्य या ताज्जुब की बात नहीं होगी अगर हम आने वाले दिनों में आईसिस के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई होते हुए देखें।